आज मैं आपको लेकर आ गया अहमदाबाद एक स्वीट से पंजाबी कपल के पास, जो कि सिर्फ 100 रुपए में खिलाते हैं पंजाबी स्टाइल बिगेस्ट चीज तंदूरी पराठा। पंजाब साइड पराठे बहुत ही चलते हैं, बट आपने एक गुजरात में भी यहाँ पे चला दिए। गुजराती तो भैया सभी कुछ खा लेते हैं, ऐसा है। हम गुजराती खा लेते हैं, गुजराती पराठे खा लेते हैं, उल्टा ऐसा है। कौन कौन से पराठे मिलते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे आलू से लेके गोभी है, आलू पनीर चीज है, गोभी पनीर चीज है। तो सबसे पहले देख सकते हमारा आटे का यहाँ पे डो ले लिया गया है और एकदम बढ़िया सा यहाँ पे पेड़ा तैयार किया जाएगा। तो मैम स्टफिंग में क्या क्या रहता है यहाँ पे? आलू है, गोभी है, ऑनियन है और पत्ता गोभी। चार टाइप की स्टफिंग रहती है। तो ये हमारा स्पेशल पराठा लगने जा रहा है, इसमें क्या क्या डलता है? इसमें मायो आएगा और सब मिक्स वेजिटेबल आएंगे। तो ये गुजराती स्टाइल पराठा है कि पंजाबी स्टाइल पराठा है? दोनों स्टाइल है। अच्छा, दोनों स्टाइल मिक्स है। अनियन डाल दिया है, ये आगे पत्ता गोभी और ये आगे। तो अच्छे से देख सकते हो पराठे की यहाँ पे स्टफिंग कर दी गई और कितने बड़े साइज का यहाँ पे पराठा बनाया जा रहा है। आपने बाकी जगह भी खाया होगा, बट इतने बड़े साइज का नहीं मिलने वाला। तो दादी प्राइस कितना रहने वाला इसका? इसका 100 रुपीज है। तो भाई 100 रुपए में देख सकते हो कितनी ज्यादा स्टफिंग के साथ है, बड़े साइज का यहाँ पे पराठा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो बड़ा सा डोसे जैसा तवा है और यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म हमारे पराठे सीखे जा रहे हैं और जैसे जैसे ऑर्डर लगता है वैसे वैसे पराठे यहाँ पे गर्मा गर्म सर्व किए जाते हैं। सिटी साइड जाओगे तो 100 रुपीज से पराठे स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम अपना जो पराठा है 100 रुपीज का है। यहाँ पे साइज में भी आप देख सकते हो काफी 12 से 13 इंच का पराठा है। तो कैसे सोचा था अहमदाबाद में अपना फूड स्टॉल करने का? हमारा बॉर्न ही अहमदाबाद का है, 70-80 ईयर से हम लोग अहमदाबाद में ही है। तो हम लोगों ने पहले क्लाउड किचन स्टार्ट किया था घर से, जोमेटो स्विगी पर थे, फिर हमने बाहर फूड कोर्ट करने का सोचा है। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे लोगों का। तो चारों तरफ दिस तो लोगों ने एकदम घेरा हुआ है, अपने पराठे का वेट कर रहे हैं। और ये कौन सा पराठा लग रहा है? अचारी पराठा। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा वैरायटी के आपको पराठे मिल जाएंगे और एक से बढ़कर एक है अचारी पराठा यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो मैम कहाँ से सीखा इतने वैरायटी के पराठे बनाना आपने? सब घर पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अच्छा, सब घर से सीखा बनाना? घर पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी और भी हमारे 2024 में न्यू पराठे लॉन्च। तो सरदार जी आपने सिखाया कि मम्मी ने सिखाया था इनको बनाना? हम भी सीखते रहते हैं ऐसा है। अच्छा, खुद ही बना के सीखते रहते हो? बिकॉज क्या है मार्केट में रहना, थोड़ा यम्मी ऐसा बनाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा यहाँ पे चीज बहुत ज्यादा डलता है गुजरात में। हाँ, तो लोग चीज ज्यादा पसंद करते हैं। क्या है अभी के जो बच्चे लोग हैं वो यम्मी खाना लाइक करते हैं, उसके साथ हम लोग हेल्दी भी बनाते हैं। अच्छा, तो वीट में हम लोग चीज और पनीर यूज करते हैं तो हेल्दी भी और टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो इनका आप सेटअप देख सकते हो यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से पराठों को गर्मा गर्म यहाँ पे सेका जा रहा है और बड़े से तवे पे यहाँ पे देख सकते हो लगातार पराठे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो ऊपर से देख सकते हो पराठे के ऊपर घी लगाया जा रहा है और घी को अच्छे से लगा के पराठे को सेक के यहाँ पे दिया जा रहा है। सरदार जी पंजाब साइड पराठे बहुत ही चलते हैं, बट आपने गुजरात में भी यहाँ पे चला दिए। ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? गुजराती तो भैया सभी कुछ खा लेते हैं ऐसा है। अच्छा, हम गुजराती खा लेते हैं, गुजराती पराठे खा लेते हैं, उल्टा ऐसा। तो कहाँ कहाँ से आते हैं लोग खाने के लिए पराठे यहाँ पे? पूरे अहमदाबाद से आते हैं, कभी कभी बाहर से भी आते हैं। अच्छा, बाहर से भी आते हैं लोग। तो आप जो कस्टमर से बात करते हो गुजराती में करते हो यहाँ पे? हाँ, गुजराती हिंदी दोनों में बात। तो गर्मा गर्म देख सकते हो स्पेशल पराठा यहाँ पे आ चुका है। तो ये आ गया भाई, बटर आ गया और पनीर चीज आते हैं, ऑथेंटिक पंजाबी है, इसमें सब मिक्स वेज आ जाते हैं। अच्छा, अंदर भी स्टफिंग रहती है, ऊपर से भी स्टफिंग डालते हैं? दोनों दोनों, अंदर भी चीज पनीर आएगा, ऊपर भी चीज पनीर आएगा, सिर्फ 100 रुपीज में। तो वीर जी इतने सस्ते में पराठा कैसे देते हैं इतना बढ़िया क्वालिटी का? प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा लो रखा है अभी। अच्छा, हमारा क्या अभी न्यू बिजनेस है, एक टाइप से भैया सेवा भी रहती है, इतना लंगर चलाते हैं गुरुद्वारे में, तो फिर 1 से 1.5 घंटे का हमारे यहाँ वेटिंग होता है, सभी 1 से 1.5 घंटे खड़े रहते हैं। तो साथ में क्या रहता है इसके? दही और अचार रहता है। अच्छा, दही और अचार रहता है। तो वीर जी अब क्या लगाने जा रहे हैं यहाँ पे? ये अपना ग्लास है 750 ml का। तो वही देख सकते हो लस्सी का कितना बड़ा ग्लास है, जैसे पंजाब साइड आपको बड़े बड़े लस्सी के ग्लास मिल जाएंगे एकदम वैसे ही यहाँ पे आपको देख सकते हो एकदम बड़ा सा लस्सी ग्लास। प्लेन लस्सी बनाते हैं, कुछ फ्लेवर वगैरह मिक्स नहीं करते हैं इसमें हम लोग। देखिए ये काजू रहती है और बादाम रहती है, ये ड्राई फ्रूट लस्सी कहते हैं। ये पार्सल भी हो जाती है, इसको 5 to 6 days तक आप बिल्कुल फ्रेश रखते हैं फ्रिज में। जैसे हमने पार्सल किया आपको दिया और 6 days तक बिल्कुल आपके फ्रिज में एकदम फ्रेश रहेगा। तो ये हमारा वीरेंद्र पराठा स्पेशल रेडी है, आप इसको ट्राई करो फिर बताइए। तो फाइनली अहमदाबाद के फेमस वीरेंद्र पराठे का स्पेशल पराठा लग के रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया से ऊपर से चीज डाला है, पनीर डाला है, साथ में अचार दिया है और ये दिया है दही। तो अंदर आपको देख सकते हो वेजिटेबल की काफी ज्यादा स्टफिंग मिल जाएगी और एकदम अच्छे से स्टफ करके इसको बनाया गया है, एकदम कोने कोने तक आपको यहाँ पे स्टफिंग मिल जाएगी। ऊपर से देसी घी लगाया गया, बटर डाला गया है, चीज डाला गया है, सारी चीजें है इसमें। तो चलिए देखते हैं इनका पराठा कैसा बनाइए। तो देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इनके पराठे की स्टफिंग काफी ज्यादा बढ़िया थी, मसाले भी काफी अच्छे से डाले गए हैं। तो पंजाबी पराठे के साथ गुजराती स्टाइल में इसको लगाया गया है और बहुत सारी चीज इसमें डाली गई है। पराठा तो मुझे इनका काफी टेस्टी लगा। हाथ में देखो इतना बड़ा लस्सी का आपको ग्लास मिल जाएगा। पराठे का आपको प्राइस बताता हूँ, 100 रुपीज का रहता है, 90 रुपए का आपको लस्सी का ग्लास मिल जाएगा, दो लोग तो आराम से इसको पी सकते हैं। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे किसी को आना तो? इवनिंग में 7 to 11 की टाइमिंग रहती है, ऑर्डर हमारे 3 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। बीच में कितने दिन ओपन रहता है ये? मंडे क्लोज होता है, बाकी डेज ओपन रहता है। तो शॉप का नाम और एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। वीरेंद्र पराठे नाम है, नियर एलजी पुलिस चौकी, एलजी हॉस्पिटल के पास में, मणिनगर एरिया में, अहमदाबाद। तो अगर आप भी अहमदाबाद में रहते हो और बढ़िया सा पराठा खाना चाहते हो तो यहाँ पे आके इनका ये बिगेस्ट साइज का पराठा टेस्ट कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ये इंडिया हाईली रिकमेंडेड है। तो इस बिगेस्ट पराठा को मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।